बॉयज़ नमस्कार, स्वागत है आपका जी एस माई ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स और जो भी सब कुछ हो रहा है वो ब्रिटिशर्स की वजह से भारत में हमारे मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स का होता है। ब्रिटिशर्स भी काफ़ी सारे रिश्ते और हमारे साथ काफ़ी सारी विदेश नीतियाँ और एक पॉलिसी फूट डालो राज करो की नीतियों के तहत इंडिया पे हुकूमत ये कैप्चर कर लेते हैं। इसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ क्रांतिकारी खड़े होते हैं, जिससे हमने जो पीछे पिछले वीडियो बनाया था वो समाचार पत्र और पत्रिकाओं का था। ये एक तरह से फैक्चुअल वीडियो है, जैसे जहाँ से क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, हमेशा दो तीन क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। स्टैटिक एक स्टैटिक जीके का पोर्शन कह सकते हैं आधुनिक भारत में दोस्तों। तो यहाँ हम लोग आज डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन होते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री लेके आ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी फैक्चुअल होंगे वो मैं अलग अलग चीज़ें कराता रहूँगा। और जो मैंने कल प्रीवियस डे में एक वीडियो डाला था यस्टरडे, तो वो एंग्लो मैसूर युद्ध डाला था, उसका भी मैं थर्ड और फोर्थ ये बैटल है वो भी मैं लेकर आऊँगा कुछ कंसेप्ट के साथ। तो आज हम थोड़ा एक फैक्चुअल टॉपिक है हमारा, एक ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा भारत में सामाजिक व धार्मिक आंदोलन होते हैं। एक सीक्वेंस और एक टेबल के थ्रू मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ताकि वो सारे के सारे एक साथ मैं टेबल में आपके साथ डिस्कस कर सकूं और आप भी कभी भी उस टेबल को खोलकर बार बार दो या तीन चार बार उसको रिवाइज कर सकते हो गाइस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन। भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहता है, स्पेशल IAS, PCS, स्टेट PCS, SSC, CGL, HCL, CHSL, ये सारे वीडियोस आपके ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके टीचर एग्ज़ाम्स के लिए भी रहता है, डिफेंस फोर्सेस में भी आपका काम आता है। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट होते हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट ओके इन इंडिया, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे चार्ट के माध्यम से गाइस। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम संस्था, वर्ष और स्थान। आप भी नोट्स बना सकते हैं, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा सारी चीजें। ये इंस्टीट्यूट रहेगा आपका, संस्था इंस्टीट्यूट, ईयर्स कब एस्टेब्लिश हुआ, प्लेस, स्थान, देन इसके फाउंडर, संस्थापक और डिस्क्रिप्शन, मतलब विवरण क्या है इसका, क्या इसकी विशेषता है कुछ, उस पर हम फोकस करेंगे। विवरण ओके गाइस, तो पहला इंस्टीट्यूट है आत्मी सभा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैं सेलेक्टिव करा रहा हूँ। आत्मीय सभा, ईयर है 1815 में ये स्थापित हुई थी कोलकाता, फाउंडर राजा राम मोहन राय। डिस्क्रिप्शन का, हिंदू धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया था इन्होंने। हिंदू धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया, और काफी सारा भेदभाव होता था हिंदू धर्म में, कर्मकांड और एकेश्वरवाद का प्रचार भी किया था। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद का
का प्रचार भी इन्होंने किया। एक ही ईश्वर की बात कहते हैं राजा राम मोहन राय। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया, राजा राम मोहन राय देते हैं। और आत्मीय सभा 1815 में इस्टेब्लिश करते हैं, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। कई सारे पॉइंट्स राजा राम मोहन राय, हम एक आधुनिक भारत में एक डिटेल्स में जानेंगे तो राजा राम मोहन राय के बारे में डिटेल्स हम जानेंगे। ये मैं सारे के सारे एक साथ एक लिस्ट में आपको कवर कर दूंगा। काफ़ी बच्चे हैं जो डिमांड करते हैं कि सर कुछ चीज़ें हैं जो एक लिस्ट में ही हमें प्रोवाइड कराइए, बाकी थ्योरी तो चलता ही रहेगा कनेक्टिविटी, तो मैं एक जगह लेकर ये सारी चीज़ें लेकर आ जाऊँ। तो नेक्स्ट करेंगे ब्रह्म समाज। सारी के सारी सामाजिक हैं क्योंकि नाम से लग रहा है धार्मिक सामाजिक आंदोलन। ओके गाइस, 1828 में रहता है ये भी कोलकाता, और सेम राजा राममोहन राय। ये ब्रह्म सभा नाम था पहले इसका, शुरू में ब्रह्म सभा था और आप ब्रह्म समाज हो गया है। तो विवरण में आप इसमें नहीं लिख सकते कुछ भी, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं विवरण का। ये तो आपका राजा राम मोहन राय का विवरण हो जाता है, इस तरह से मैं मेंशन कर देता हूँ। और इसका जो विवरण है वो एन ए। ओके, जहाँ इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखा दूंगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, तत्व बोधनी सभा। तत्व बोधनी सभा इंग्लिश में यही होता है गाइस। 1839 ये भी कलकत्ता में आता है, और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक रहते हैं, और राम मोहन राय के विचारों को इन्होंने प्रसार किया था यहाँ पर। राम मोहन राय के विचारों का प्रचार किया। ओके गाइस, तत्व बोधनी सभा में। देन परमहंस मंडली पूछा जाता है परमहंस मंडली कब आई थी, तुम्हें कौन इसके फाउंडर से, तो 1849 मुंबई में, और इसके फाउंडर आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ नोट अपनी को लिख रहा हूँ। जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना इनका उद्देश्य था। ओके गाइस, मैं उद्देश्य या विवरण लिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, विवरण भी पूछ लिया जाता है। परमहंस मंडली देख लेना, आई थिंक, और मुझे याद नहीं, मतलब रामकृष्ण मिशन से संबंधित है, आप देख लीजिएगा एक बार परमहंस मंडली के बारे में, कमेंट में आप छोड़ दीजिएगा क्या रहेगा। राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग 1861 आगरा में होता है ये एस्टेब्लिश्ड। जो है इसका स्थान तुलसीराम, जिसे हम शिवदयाल कहते हैं, शिवदयाल, इन्होंने भी एकेश्वरवाद पर प्रचार किया। एकेश्वरवाद, सिर्फ एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद पर प्रचार करते हैं। ओके गाइस, मूवमेंट तो आज भी हो रहे हैं, देखिए आप सत्संग होते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन हो रहे हैं, देवी जागरण होते हैं, हज यात्रा हो रही है, हर धर्म का अलग अलग मूवमेंट चल ही रहा है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज 1867 मुंबई
और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग संस्थापक रहे और हिंदू धर्म के प्रचार का ही इनका एक लक्ष्य था। हिंदू धर्म को ही मानते थे ये, तो यहाँ लिख देते हैं हिंदू धर्म का प्रचार करना था एकमात्र उद्देश्य। तो ये प्रार्थना समाज के बारे में हमने आपको बता दिया है। आर्य समाज, आर्य समाज 1875, और ये भी मुंबई रहता है, मुंबई, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद जी, और मुख्य लक्ष्य क्या है, हिंदू धर्म में सुधार रहता है, हिंदू धर्म में सुधार। ओके गाइस, हिंदू धर्म में सुधार इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट करेंगे गाइस थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये भी 1875 में होती है न्यूयॉर्क में, 1875 न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में मैडम ब्लास्की और कर्नल ऑलकट, मैडम ब्लावत्सकी, ब्लावत्सकी और कर्नल ऑलकट, कर्नल ऑलकट, ऑलकट, ये था इनका लक्ष्य, था वो प्राचीन धर्म को प्रोत्साहन करना था, प्राचीन धर्म को प्रोत्साहित मतलब बढ़ाना था, प्रोत्साहित करना था, प्राचीन धर्म को प्रोत्साहित करना इनका उद्देश्य था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी नेक्स्ट करेंगे हम लोग। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, एक ही वीडियो में सारा मिल जाएगा, मिलने को तो आपको किताबों में बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन यह मैंने सेलेक्टेड आपको करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट रहे, और कुछ ही चीज़ें कराऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 या 22 बस। इसमें से आपका स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन हमेशा या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कैसे भी पूछा सकता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का प्रारूप भी यहाँ पर कई सारे, क्योंकि फाउंडर भी है, ईयर वाइज भी है, और स्थान भी है, और इनका एक डिस्क्रिप्शन भी है, तो क्वेश्चन तो एक नहीं, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं एक साथ लिस्ट के साथ। किताबों में तो एक साथ ऐसे नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि भाई फाउंडर कौन है और सन कहाँ पर है बस। तो यहाँ पर मैं 4-5 चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ, तो आपके एक क्वेश्चन नहीं, आपके कम से कम एक क्वेश्चन में ही 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहेगा इस। ओके, तो दक्कन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, 1884 में पूना में होता है, जीजी अगरकर के नेतृत्व में, पुणे जीजी आगरकर, और देश की सेवा के लिए नौजवानों की शिक्षा प्रणाली में सुधार था, इसमें देश की सेवा के लिए नौजवानों की शिक्षा में सुधार के लिए बनाया गया दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, नाम से लग रहा है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। नेक्स्ट गाइस देव समाज, देव समाज, ये क्वेश्चन हर बार सारे के सारे क्वेश्चन जब भी कोई एग्जाम्स होता है बार बार क्वेश्चन आपके आते हैं, बार बार आते हैं, तो कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बस प्लीज़ थोड़ा केयरफुली आप एक बार, दो बार, तीन बार देख लो तो याद भी आपको हो जाएगा, कन्फर्म में आपको याद हो जाएगा, बस डरना नहीं है कितना सारा कैसे याद हो जाएगा, प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा एक आपका मूल मंत्र है। तो देव समाज 1887 लाहौर में
1887 लाहौर में शिव नारायण अगोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री अग्निहोत्री लेके आते हैं। बस इनका लक्ष्य होता है ब्रह्म समाज के, जो ब्रह्म समाज करता है वही देव समाज करता है। ब्रह्म समाज को फॉलो किया इन्होंने, देव समाज ब्रह्म समाज को फॉलो किया। रामकृष्ण, रामकृष्ण मिशन, मिशन रामकृष्ण मिशन शुरू होता है 1897 में, 1897 वेलूर, वेलूर में रहेगा। और आप जानते हैं उनको तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, मानव कल्याण समाज सेवा के लिए ही लेके आए थे स्वामी विवेकानंद। क्या उद्देश्य था? मानव कल्याण के लिए इन्होंने ये संस्था अपने गुरु के नाम पे बनाई थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन 1909 में लेके आते हैं, पूना में लेके आते हैं, पुणे में है। और रमाबाई यहाँ पर इसकी फाउंडर होती हैं, रमा बाई। विधवा स्त्रियों के लिए काफ़ी सारे काम किए इन्होंने, और उद्देश्य इनका यही था कि स्त्रियों के प्रोत्साहन के लिए क्या करना, कार्य करना, स्त्रियों के लिए कार्य करना इनका एक उद्देश्य था, प्राथमिकता इनकी यही थी, याद रखना गाइस। नेक्स्ट है, आप सब जानते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, और लेके कहाँ आए थे? बम्बई, मुंबई, गोपाल कृष्ण गोखले लेके आए थे। और मात्र भूमि की सेवा के लिए भारतीयों को शिक्षा देना, मतलब एक तरह से भारतीयों को शिक्षा देने के लिए, भारतीयों को शिक्षा देने के लिए, भारतीयों को शिक्षा देने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण लेके गोखले लेके आए, जो ऑलरेडी महात्मा गांधी जी के गुरु, राजनीतिक गुरु होते हैं। इन सारे जो सुधार हैं, फिलोसफर हैं, पोइट्स हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल दिए, किसी ने पुस्तक लिखी, किसी ने कुछ और किया, ये सब मोटिवेटेड पर्सन थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने प्राण, अपने पूरा समय, अपना परिवार सब दांव पे लगा दिए इन्होंने। आज भी हम लोग इनको मानते हैं, इनको इतिहास में पूछते हैं, इतिहास में हम लोग इनको पढ़ते हैं, और इनसे ही पढ़कर हमारे अंदर कुछ काम करने की ताकत आती है। अगर देखा जाए हमारे मूल स्रोत तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स और जो फॉरेन ताकत थी वो नहीं चाहते थे कि हम लोग आगे बढ़ पाएँ। तो कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो देखना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग वही होते हैं जो आप समझते हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की से जलते ही हैं, आगे नहीं देखना चाहते। वो कुछ हैं जो अपराध की दुनिया में कदम रखे हुए हैं और कुछ दो नंबर कामों में व्यस्त हैं। तो हिंदुस्तान की उसमें प्रगति, हिंदुस्तान की एक इज्जत, हिंदुस्तान का उसमें आन बान शान पूरी तरह से घट जाती है। इसलिए ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़िए, और जो भी आपको सिलेबस दिया जा रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। मैक्सिमम लोग बिना सिलेबस के ही पढ़ते रहते हैं, फिर कहते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा रुक गया, मैं
कुछ नहीं कर पाया, मैंने इतनी मेहनत की। तो गाइस, आप सिलेक्शन से पहले आप सिलेबस को थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिएगा। सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। अगर सिलेबस नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि आप बार बार एग्जाम में बैठोगे, बार बार फेल हो जाओगे। आपको नहीं पता पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना। मैक्सिमम लोग यूट्यूब चैनल से ही कनेक्ट रहते हैं। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि सर यूट्यूब पे जो दिखाया जाता है वो सब कुछ ठीक है। मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम यूट्यूब पर एक तरह से कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई आपकी लाइफ की पर्सनल बातें कर रहा है, कोई कह रहा है कि मतलब एक तरह से एक एंजॉयमेंट पल यूट्यूब वाले, सपोज़ 1.5 घंटे का वीडियो है जिसमें से वो 20 से 25 मिनट तो हाय हेलो में निकालते हैं, कमेंट देखने में निकालते हैं, तो रही 20-25 मिनट की पढ़ाई। तो आप खुद जानते हो कि यूट्यूब पर बहुत सारी आपकी पढ़ाई छूट जाती है। कोई चैनल ऐसे ऑथेंटिक चैनल को चूज़ करो जो आपको बेहतर लगे कि हाँ ज़्यादा बात नहीं हो रही, बस काम की बात चल रही है, उसी को फॉलो करो गाइस। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कई सारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, साइंटिस्ट के बच्चे हैं, IAS के बच्चे हैं, मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये चैनल हमारा ऑथेंटिक है, इसमें कोई ज़्यादा कविताएँ नहीं है, ना कोई गीत गाता है, ना कोई मरेजर की बातें होती हैं। कहते हैं कि क्राइंग विल्डरनेस, व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। काम की बातें अपने यूट्यूब पे कीजिए और बच्चों के लिए जितना भी हो सकता है इंपॉर्टेंट मैटर्स प्रोवाइड कराने की एक एक मतलब मुहिम होनी चाहिए कि हाँ बच्चा डाइवर्ट ना हो और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। टीचर के हाथ में होता है बच्चे को कैसे डाइवर्ट करना है, टीचर के हाथ में होता है क्लास में कैसे पढ़ाना है, सब कुछ डिपेंड टीचर के ऊपर होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर ये बेसिक ये टेबल है, मैंने एक साथ ये टेबल में रख दी है। अगर आपको लगता है तो भाई आप पढ़ लेना, बाकी तो मैं अपलोड कर ही दूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो तो पढ़ा रहेगा यूट्यूब पर। ओके गाइज, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप। नेक्स्ट है समाज सेवा संघ, 1911 में आया था समाज सेवा संघ, समाज सेवा संघ 1911 में और मुंबई, ये भी मुंबई में है। ओके, एन एम जोशी लेकर आते हैं। अब समाज सेवा संघ से मतलब क्या है, जितने भी आम व्यक्ति हैं उनके कार्य की स्थिति में सुधार करना है। जितने भी आम व्यक्ति हैं उनके कार्य की स्थिति में क्या करना है, सुधार करना है, कार्यों में सुधार करना है। समाज सेवा संघ, बहुत सारे NGO हैं जो काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं, यही एक सबसे बड़ी समाज सेवा है। इंसान अपनी ड्यूटी और राइट को अगर समझ जाए तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान प्रगति करने में पीछे हटेगा, वो आगे ही बढ़ेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा। क्योंकि साथ देने वाले कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो देश के लिए लगे हुए हैं, कई ऐसे मतलब गाइस मैं आपको कह सकता हूँ फ्रेंड्स हैं, कई माहौल है, एक ग्रुप है, बहुत सारे अफसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, बलिदान भी दे देते हैं। सिविलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, फौज तो हमारी है ही है, गवर्नमेंट अफसर हमारे काम कर रहे हैं, बाकी सिविलियंस भी काफ़ी आगे तरक्की करते चले जा रहे हैं। तो गाइस मैंने ये यहाँ तक वीडियो डाल दिया है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है तो आप इसको थोड़ा शो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, आप जितनी बार देखें उसको देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आप देख बताइएगा मुझे, अगर अच्छा लगता है तो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।